अब देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे, वे डिस्कसिंग अबाउट द एवोल्यूशन, और मैंने आपको बताया कि हम एवोल्यूशन को कैसे कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। जैसे मैंने पहले बताया आपको ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स का, उसके बाद ऑरिजिन ऑफ अर्थ एंड या हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर का, उसके बाद हम देखेंगे ऑरिजिन ऑफ व्हाट, ऑरिजिन ऑफ लाइफ या ऑरिजिन ऑफ सेल हम बोलेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज का, देखेंगे उसमें थ्योरीज देखेंगे, एविडेंसेस देखेंगे, और साथ ही में आप ऐड भी कर सकते हो, आप वहाँ पे ये भी देख सकते हो कि आप पढ़ सकते हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है ना बेटा। और लास्ट पे जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट विल बी ह्यूमन एवोल्यूशन। अब अपने बारे में भी थोड़ा जानेंगे, हम कैसे इवॉल्व हो गए और हमारे पास क्या एविडेंसेस है जो हमें प्रूव करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में, क्योंकि अपना भी कुछ जो है पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम पहले कि यूनिवर्स का है क्या। अब ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अगर हम बात करेंगे तो हमें 20 बिलियन ईयर्स एगो की बात करनी है। 20 बिलियन आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी ऐसे ही लिखते जो मैं पढ़ाऊंगा, और उसे बाहर में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि हम अगर बाहर जाएंगे ना फिर साइंटिस्ट का पढ़ना है, बाकी चीजें पढ़नी है, हम उसका नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जो हमें जरूरत है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एवोल्यूशन के जरिए से। हमारे पास जो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, वी विल मूव 20 बिलियन ईयर्स एगो, एंड इट वॉज कंसिडर्ड द होल यूनिवर्स वॉज ए सिंगल पॉइंट। ये जो पूरी यूनिवर्स है जो आप देख रहे हो, पूरी यूनिवर्स, ये पूरी यूनिवर्स जो है एक सिंगल पॉइंट था, और उस सिंगल पॉइंट के अंदर क्या हो गया, देयर वाज अ एक्सप्लोजन, देयर वाज अ ब्लास्ट, और इतना ब्लास्ट हुआ यू कांट काउंट इन ए फिजिकल टर्म्स, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ इस पीस का। और जो हम एक्सप्लेन एक थ्योरी करते हैं उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती थी कि एक बहुत बड़ा एक गैस था, वैसे ही उनका कॉन्सेप्ट है, एंड बायोलॉजी कंसिडर इट वॉज अ सिंगल पॉइंट, दिस होल यूनिवर्स वॉज अ सिंगल पॉइंट, और उस सिंगल पॉइंट में क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, और इतना एक्सप्लोजन हो गया अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, फिजिकल टर्म में नहीं बता सकते आप कितना बड़ा हो गया। और जब ब्लास्ट हो गया, ये जो पॉइंट था इट वॉज ब्रोकन डाउन इन टू मनी पीसेस, ये जो पॉइंट था ये क्या हो गया, यूनिवर्स जिसको कंसिडर करते सिंगल पॉइंट, ये पूरा पॉइंट जो ब्रोकन डाउन हो गया इंटू मनी पीसेस, और ये पीसेस जो है ये एक्सपेंड हो गए, ये फैल गए, क्या हो गए, और जब भी पीसेस फैल गए इनका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज। और जब इन पीसेस पे टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ द गैसेस, गैसेस जो है वो फॉर्म हो गई, और गैस क्या क्या था, हीलियम एंड हाइड्रोजन जो है वो वजूद में आ गया आफ्टर दैट। ये बोलता है जब एक्सपैंड होगी टेम्परेचर डिक्लाइन हो गया, उसके बाद जो है हीलियम एंड हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि अभी पीसेस बन गए ना दुनिया के अंदर, पीसेस जो है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हो गया, ये गैसेस जो है ये कंडेंस हो गए, जब ये गैस कंडेंस हो गए दे आर रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, हमारे पास जो है स्टार्स वजूद में आ गए, और स्टार जब वजूद में आ गए उनको सराउंडिंग में गैसेस थी, डस्ट थी, तो हमने उनको बोला गैलेक्सीज फॉर्म हो गए। तो अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे, पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम यूनिवर्स बोलते हैं, यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ स्टार्स, यूनिवर्स के अंदर होता क्या क्या है, तो आप बोल सकते हो कंसिस्ट ऑफ स्टार्स, यूनिवर्स के अंदर क्या होती है, तो हम ये बोलेंगे यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ गैलेक्सीज, यूनिवर्स जो है इसके अंदर गैलेक्सीज है। अब गैलेक्सीज क्या होती है, सो इट इज फॉर्मड ऑफ, यूनिवर्स इज फॉर्मड ऑफ व्हाट, इट्स फॉर्मड ऑफ गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज क्या होती है, गैलेक्सीज होती है ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स होती है गैलेक्सीज, प्लस इसके अंदर होता है गैसियस क्लाउड प्लस डस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूनिवर्स के अंदर क्या होती है, तो हम बोलते हैं यूनिवर्स इज व्हाट, इट्स फॉर्मड ऑफ गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज के अंदर क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, स्टार्स होंगे इसके अंदर,
गैसियस क्लाउड होता है उसके अंदर और डस्ट होता है, ये तीन चीजें मिलकर किसको बनाती है, गैलेक्सी को बनाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब अगर हम ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे तो हमें बोलना है कि ये गैलेक्सी जो है ये कैसे फॉर्म हो गई। असल में तो वही है क्योंकि यूनिवर्स के अंदर तो गैलेक्सीज है, तो कहीं ना कहीं हम ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स जब पढ़ते हैं ना तो वी कैन रिलेट इट विद द ऑरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, इजंट इट, कहीं ना कहीं तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू वी विल मूव दैट इज अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो, अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो, अगर हम मूव करेंगे अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो तो हम क्या करते, क्या थी बायोलॉजी एनसीईआरटी बोलती है दिस होल यूनिवर्स वॉज ए सिंगल पॉइंट। सो वो क्या बोलते हैं, द होल यूनिवर्स वॉज ए सिंगल पॉइंट, ये जो पूरी यूनिवर्स थी ये एक सिंगल पॉइंट था। आप समझ लो एक छोटा सा पॉइंट मैं बना रहा हूं, आप समझ लो बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट थी पूरी यूनिवर्स, ये हमारे पास यूनिवर्स बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट था, ठीक है ना। ये कौन बता रही है, एनसीईआरटी बता रही। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद इसके ऊपर हो गया एक्सप्लोजन, अ मैसिव एक्सप्लोजन वी कैन से। क्या हो गया यहाँ पे, एक्सप्लोजन हो गया या हो गया ब्लास्ट हो गया। लेकिन याद रखो क्या, अगर एक यूनिवर्स वॉज कंसिडर्ड बिफोर 20 बिलियन ईयर्स अगो ए सिंगल पॉइंट, दैट मीन्स दिस सिंगल पॉइंट में कंटेन मनी गैशियस थिंग्स इनसाइड इट, इजंट इट, वाज वेरी हॉट इन टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हार्डनेस थी। तो फिर कहा जाता है कि एक्सप्लोजन हो गया या ब्लास्ट हो गया, लेकिन ये ब्लास्ट ऐसा हो गया तो हम ये बोलेंगे ये ब्लास्ट जो था इट कांट बी व्हाट वी कॉल मेजर इन फिजिकल टर्म्स, सो वी कैन से इनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, अनइमेजिनेबल हम बोल सकते हैं, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, दैट मीन्स फिजिकल टर्म्स में आप नहीं बोल सकते कि कितना बड़ा ब्लास्ट हो गया, अनइमेजिनेबल उसी को बोलेंगे ना, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कितना बड़ा ब्लास्ट हो गया। और ये जो ब्लास्ट हो गया और ये एक्सप्लोजन जो हमें प्रूव करती है, हम करती है थ्रू थ्योरी के थ्रू, उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। एक्सप्लोजन हो गया या ब्लास्ट हो गया, लेकिन ब्लास्ट ऐसा हो गया अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, बहुत बड़ा ब्लास्ट। जब ब्लास्ट हो गया इट वॉज ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉल पीसेस, इस ब्लास्ट की वजह से ये जो एक पॉइंट था इट वॉज ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉल पीसेस, ये छोटे छोटे पीस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो वी कैन से दिस सिंगल पॉइंट वॉज ब्रोकन डाउन इन टू मनी पीसेस। अब इन पीसेस में क्या हो गया, ये पीसेस जो है ये एक्सपेंड हो गए, एक्सपेंशन हो गया इनके अंदर, एक्सपेंशन एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, इनके अंदर एक्सपेंशन भी हो गया और एक्सपेंशन के साथ साथ क्या हो गया, डिक्रीज इन टेम्परेचर हो गया, किनके अंदर, इन पीसेस के अंदर। फिर एक बार मैं बता रहा हूं, यूनिवर्स एनसीईआरटी कंसीडर्स इट एज अ सिंगल पॉइंट एंड देयर वाज अ ब्लास्ट एंड एक्सप्लोजन दैट वाज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स एंड इट्स एज रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल पीसेस, दिस स्मॉल पीसेस एक्सपेंड, दैट्स व्हाई वी कांट सी एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, because in universe still there is evolution, it is happening now, present it is also happening, this evolution in universe, that's why we say only the origin, we can't say evolution, we can say human evolution but we can't say what evolution of universe, because still it's expanding, universe is still expanding, isn't it? So there is expansion and decrease in temperature, when there was expansion and decrease in temperature what happened, there was the formation of, after that there was the formation of helium and hydrogen, so after that there was a formation of helium and hydrogen,
तो याद रखो अगर हीलियम और क्या हो गया फॉर्म, हाइड्रोजन हो गया फॉर्म. आफ्टर दैट उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल दीज गैसेस condense and result formation of stars, comma cloud of gases and dust that is called as galaxy. What the result formation of galaxies? तो हम ये बोलेंगे ये gases जो है ये कंडेंस हो गए ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल और फिर उन्होंने फॉर्म किए स्टार्स, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट जिसको हम आज बोलते हैं गैलेक्सीज. तो गैलेक्सीज जो है, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया एनसीईआरटी बोलती है कि हमारे पास जो होल यूनिवर्स थे एक सिंगल पॉइंट था, उसमें क्या हो गया, उसमें हो गया ब्लास्ट एक्सप्लोजन जो अनइमेजिनेबल था इन फिजिकल टर्म्स. तो पीसेज में ब्रोकन डाउन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन की वजह से क्योंकि पीस फैलने लगे, एक्सपैंड होने लगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिक्रीज इन टेम्परेचर हो गया. उसके बाद क्या हो गया, आफ्टर दैट देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ, हर पीस के ऊपर आप देखोगे देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये वजूद में आ गया किसी पीस के. उसके बाद क्या हो गया, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो पुल इनके अंदर जो ग्रेविटी डेवलप हो उसकी वजह से क्या हो गया कि दीज गैस कंडेंस, ये गैस कंडेंस हो गए. जब ये गैस कंडेंस हो गए रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, इनने स्टार्स बनाए और इन्होंने गैसेस क्लाउड भी फॉर्म किया और इन्होंने डस्ट बनाया और उस चीज को हम बोलते हैं कि इन्होंने फॉर्म किया गैलेक्सी. बात आई मेरी समझ? अब आगे चलते तो हम देखते हैं इसी गैलेक्सीज में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे. सुना है ना? तो अगर हम देखेंगे इन्हीं गैलेक्सीज में हमारे पास और एक गैलेक्सी भी फॉर्म होगी जिस गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे. मिल्की वे, मिल्की वे क्या है बेटा, ये गैलेक्सी है और इसी गैलेक्सी के अंदर हमारी आ जाती है अर्थ. क्या आ जाती बेटा, अर्थ आती है और अर्थ का फॉर्मेशन जो है दैट इज अबाउट 4.5 बिलियन इयर्स अगो. तो हमने क्या बोला, फिर एक बार मैं बता रहा हूं कि गैलेक्सीज वजूद में आ गई और उसी गैलेक्सीज में हमारे पास एक गैलेक्सी वजूद में आई होगी जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हम देख रहे हैं हमारी कौन सी आती है, अर्थ आती है और अर्थ का जो ओरिजिन है दैट इज अबाउट 4.5 बिलियन इयर्स एगो. इसका मतलब इसी गैलेक्सी के अंदर जो अर्थ बनी होगी वो कब बनी होगी, 4.5, लेकिन जब ये बिग बैंग हुआ तब का था 20 बिलियन इयर्स एगो, ठीक है ना. और जब अर्थ बनी दैट इज अ 4.5 बिलियन इयर्स एगो, ठीक है. अगर मैं इस चीज को सम अप करूं, ठीक है ना, सम अप करूं ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, तो मैं इसको रब करूं. तो अगर मैं इन चीजों को सम अप करूं तो आप ये बोल सकते हो, सम अप करने के क्या मतलब कि आप मेमोराइज करोगे इस चीज को ताकि आप चीजों को भूलोगे नहीं. तो सम अप में अगर मैं इस लाइन को करूं, इस पूरी प्रोसेस को जो हमारे पास हो गया, यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया, तो गैलेक्सीज बन गई, यूनिवर्स बन गई, इजंट इट. अब उसमें हम देखेंगे अर्थ का, ठीक है ना. तो हमने क्या देखा, हमने बोला कि यूनिवर्स जो थी, यूनिवर्स कंसिडर्ड एज सिंगल पॉइंट, यूनिवर्स वाज कंसिडर्ड एज सिंगल पॉइंट, इट इज 20 बिलियन इयर्स एगो, ठीक है ना बेटा. उसके बाद क्या हो गया, देयर वाज एक्सप्लोजन, या आप बोलोगे क्या हुआ था, ब्लास्ट हुआ था. तो हमें कौन बताता है इसके बारे में, बिग बैंग. बिग बैंग थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना. और एक्सप्लोजन क्या था, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, अनइमेजिनेबल था फिजिकल टर्म, दैट मींस इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट. तो क्या हो गया, सिंगल पॉइंट जो था, सिंगल पॉइंट वॉज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस.
ठीक है ना बेटा। उसके के बाद क्या हो गया, दीज पीसेस एक्सपेंड, दीज पीसेस एक्सपेंड एंड रिजल्ट डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड रिजल्ट डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिक्रीज हो गया। उसके बाद आफ्टर दैट देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। आफ्टर दैट गैसेस वर फॉर्म्ड लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस, इजंट इट। उसके बाद देयर वाज ग्रेविटेशनल पुल व्हिच रिजल्ट्स कंडेंसेशन ऑफ दीज गैसेस, सो देयर वाज व्हाट, ग्रेविटेशनल पुल रिजल्ट्स कंडेंसेशन ऑफ दीज गैसेस, देन रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ stars, and then if there was a formation of stars, then there was a cloud around them, cloud of gases and dust. So stars were formed and there was a cloud of gases and there was a dust, and they have resulted the formation of galaxies. And in it we have the most important galaxy to study, that is called as Milky Way. And Milky Way is that type, is a galaxy which is in which we have to study what is Earth, and Earth ka origin jo hai, it is 4.5 billion years ago. ये चीज आप याद रखो। देखो एक बिल्कुल एक ब्रेकअप मैंने दिया आपको, कैसे हमारे पास ऑरिजिन ऑफ गैलेक्सीज हुआ या ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, ठीक है ना। सो इट्स अबाउट 20 billion years ago, ठीक है।